नमस्कार इन बीसीएन के दर्शकों का इस खास मुलाकात में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं रत्नाकर आपके साथ। शहर की व्यवस्था का एक विभिन्न अंग होता है ट्रैफिक, और नागपुर शहर के ट्रैफिक की बात तो बहुत ही एक अवस्था इसकी कैसी है, क्या है, और ये हम एक्सपर्ट से कर जाने, इसकी जो जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, हम आज उनसे ही बात करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ विक्रम साले सर का हमारे स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर आप निभा रहे हैं, तो कोरोना के पार्श्वभूमि पर नागपुर की क्या स्थिति ट्रैफिक से जुड़कर आप इसका विश्लेषण करते हैं? अभी नागपुर ट्रैफिक विभाग में 10 जोन है, तो हमारे 10 PI है जो 10 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जी। और हमारा टोटल स्टाफ अभी 600 से आसपास है जी। तो हमने कोविड के अनुसार से जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो उनमें प्रॉपर एक है नो मास्क की कार्रवाई, दूसरी सोशल डिस्टेंसिंग की भी हम कार्रवाई करते हैं। जो NMC का GR है उसमें लिखा है एक दुकान में अगर 5 से ज्यादा लोग हो जी। तो 5,000 rupees फर्स्ट टाइम फाइन है, सेकंड टाइम उसने ब्रीच किया तो 8,000 rupees, और थर्ड टाइम ब्रीच किया तो 10,000 rupees फाइन है। तो हम ट्रैफिक विभाग की ओर से नो मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग के फाइन्स कर रहे हैं, जिसमें हमने नो मास्क की कार्रवाई अभी तक तकरीबन 10,000 तक की है, जिसमें 500 rupees फाइन है जी। ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है, क्योंकि लोगों की भी तरफ से, नागरिकों की तरफ से इसको प्रतिसाद नहीं, और कार्रवाई का असर भी देखा गया है कि कई लोगों ने मास्क पहनना चालू भी कर दिया। हाँ, अभी तो मुझे लगता है 90% लोग मास्क पहन रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके द्वारा कार्रवाई की गई, क्या डर कहिए या एक अवेयरनेस कहिए, जिसका ये नतीजा है हमें दिख रहा। एक और आम समस्या जो ट्रैफिक को जुड़कर ये है युवा वर्ग की। हमने देखा है कि कई युवा वर्ग रेसिंग करते हैं, खास करके बुलेट गाड़ियां जो हैं, बुलेट गाड़ी में साइलेंसर लगाएंगे और ऐसे बहुत सारी हरकतें करते हैं, जिससे आम नागरिकों का रास्ते पर चलना दुभर हो जाता है। आपने उसके लिए भी बहुत अच्छा एक्शन लिया है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो यंग जनरेशन है, हमारे जो अभी नए CP सर आए हैं अमितेश कुमार सर जी, उनके मन में वो ख्याल आया कि ये यंग जनरेशन ज्यादातर सिविल लाइंस और जो हमारे जो आइसोलेटेड रोड्स है वहाँ बहुत ज़्यादा जोर से बाइक्स चलाते हैं, वो रेसर बाइक हो या जो बुलेट है उसका साइलेंसर मॉडिफाई करके वो ज़्यादा आवाज़ में चलाते हैं। तो हमें भी बहुत सारी कंप्लेंट आई थी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, तो हमने 3 दिन से स्पेशल ड्राइव शुरू किया, उसमें हमने 100 से भी ज़्यादा बुलेट को सीज किया, और जब तक वो साइलेंसर चेंज नहीं करते तब तक हमने उनको छोड़ा नहीं। और बहुत सारे, कल तो मैंने 5 रेसर बाइक हमारे टीम ने पकड़ी थी, तो उनके सभी पेरेंट्स को बुलाया ऑफिस में और उनके सामने उनको समझ दे के फाइन करके छोड़ दिया। ये तो पहली बार था, लेकिन हम यहाँ से आगे जाके जो भी इसका नियम का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर IPC के सेक्शन के तहत गुना दाखिल करेंगे। उसका असर उसके करियर पे हो सकता है, जो भी अभी पढ़ रहा है जी, जी। तो उसका करियर उससे खराब हो सकता है, और ये बहुत ही बेकार चीज है कि हम बाइक को इतना फास्ट चलाते हैं, वो हमारा भी लाइफ खतरे में डालते हैं और दूसरों का भी डालते हैं। तो हम ट्रैफिक विभाग का अभी एक ही मोटो है कि रेसर बाइक और जो मॉडिफाइड बुलेट्स है उनको पकड़ना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, इसलिए हमने बहुत सारी टीम जगह जगह पे प्लांट की है और उसका असर हमें अभी दिख रहा है 2-3 दिन जी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। यंग जनरेशन को भी हम इस माध्यम से भी आह्वान करेंगे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जहां पुलिस विभाग अपनी ड्यूटी कर रहा है तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको जो सुविधा मुहैया कराई है तो वो जिम्मेदारी के साथ में आप निभाए, ना ही आपको फाइन बैठे। और क्योंकि जैसे कि सर बता रहे हैं, अगर आपके ऊपर में FIR दर्ज हो गई या कानूनी कार्रवाई हुई तो आपके पूरे करियर पर इसका असर पड़ सकता है। और इसमें और एक मुझे समझ में आया, कुछ ये यूथ लोगों के लीडर्स है जी, जो सो कॉल्ड लीडर्स है, वो भी हमें गोपनीय माहिती मिली है जो आज हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा भी पता चला है कि कुछ कुछ लोगों के पास ऐसे इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स बाइक है जो विदाउट किसी कंसेंट के, विदाउट कोई टैक्स भरते हुए वो चला रहे हैं, तो हम तो वो जब्त करेंगे ही, और उनका जो भी चेन है तो उनको मैं अभी इशारा देता हूँ कि उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये इस 1-2 दिन में नहीं सुधरेंगे तो हम IPC के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। अभी भी समय है, जो युवा वर्ग देख रहा है, जो ऐसे लोग देख रहे हैं उनके पास में अभी भी समय है कि संभल जाए, वरना कड़क कार्रवाई का इशारा यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। सर, हम खूबसूरत नागपुर का एक सपना देख रहे हैं और ट्रैफिक से पोल्यूशन भी बढ़ता है,
कुछ दिनों पहले एक घोषणा हुई थी नागपुर का जो बर्डी का जो रूट है वो ट्रैफिक फ्री। अब ट्रैफिक फ्री ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, समझने में, तो ये सपना कैसे साकार होगा, क्या कल्पना है इसकी? हाँ, इसकी मेन कल्पना मुझे तो लगता है कि नागपुर सिटी जैसा सुंदर शहर नहीं है जी। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इफेक्टिव है, जैसे अभी मेट्रो का काम तो लगभग हो गया है, तो मुझे यही कहना है सिविलियन लोगों से या हम अधिकारी भी हो, कोई भी हो, अगर हम अकेले जा रहे हैं तो मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना चाहिए। जी। और मेट्रो इतनी अच्छी है, इतने कम रेट में हमें एसी में सभी जगह लेके जाती है, तो हमें मेट्रो के साथ हमने जो कोऑपरेशन किया है जी। उससे हमने डिसाइड किया है कि बर्डी का जो भी एरिया है जी। वो व्हीकल फ्री करेंगे हम, और वो मैक्सिमम जब भी हम प्राइवेट व्हीकल लाएंगे तो वहां तक हम पार्किंग करेंगे, और उससे जहां भी जाना है बर्डी से, हमें हिंगना जाना है या कहीं भी पहाड़ी जाना है, तो मेट्रो से ही ट्रैवल करेंगे, जी। ये हमने डिसाइड किया है। और दूसरा एक NMC स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है कि 15 किलोमीटर जो ट्रैक है सिटी में जी, जी। वो प्योरली साइक्लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे, तो वो भी हमने NOC दिया है, वो काम मुझे लगता है इस मंथ तक हो जी जाएगा। बिल्कुल, और उसके ऊपर कार्यवाही भी जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने उसके ऊपर में कारण भी चालू करें। सर, हम इस वक्त जो वातावरण में जूझ रहे हैं वो कोरोना की पार्श्वभूमि पर जूझ रहे हैं, ट्रैफिक कहिए या नागपुर की या देश की स्थिति जो है वो एक बनती बिगड़ती, कभी आंकड़े कम होते तो ऐसा लगता है कि कोरोना कहीं कंट्रोल में आ गया, लेकिन इसके साथ में हमें और भी जूझना है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे नागरिक को? हाँ, कोविड से अगर हमें लड़ना है तो मुझे लगता है अभी नागपुर में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, थोड़े अब कम भी हो रहे हैं, लेकिन हमने ये जो तीन चीज़ों का पालन किया कि यूज मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंस, और ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, कल भी देखा मैंने, जो 4-व्हीलर में जा रहे हैं तो एक इसमें 5-6 लोग जा रहे हैं, तो एक में A1+3 अलाउड है, मतलब ये छोटी छोटी चीजों का अगर हमने अच्छा इम्प्लीमेंट किया तो मुझे लगता है जल्दी हम कोरोना पे मात करेंगे, और मुझे लगता है कि नागपुर की जनता उतनी सजग है, जो भी हम कार्रवाई करते हैं तो वो झट से उसका इम्पेक्ट दिखता है और लोग उसका अवलंब करते हैं, तो मुझे लगता है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ में इस चर्चा को हम विराम देंगे, लेकिन चर्चा के विराम से पहले दर्शकों को एक बार फिर अनुरोध करेंगे, गांधी जयंती के मौके पर हम विक्रम साई साहब जो कि उपायुक्त है ट्रैफिक विभाग के, हमसे बात कर रहे थे, हमें सूचनाएं दे रहे थे, हमें उन्होंने कुछ इशारा भी दिया है कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो एक स्वच्छ, सुंदर और बहुत बेहतर नागपुर को एक आदर्श शहर भी स्थापित हम कर सकते हैं। दर्शकों से भी अनुरोध है कि वे भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्वच्छ नागपुर की तरफ अग्रसर करें, कोरोना के पार्श्वभूमि में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी सूचना के साथ में इस वक्त हम विदा लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद, मुझे BCN के थ्रू ये मैसेज लोगों के पास गया और यहाँ बुलाया, इसलिए नमस्कार।